फिल्म अभिनेता सलमान खान ने याकूब मेमन की फांसी की सजा टालने की वकालत की। ट्वीट कर कहा उसके भाई टाइगर मेमन के किए की सजा। सलमान खान ने टाइगर मेमन पर ट्वीट में लिखा उस लोमड़ी को फांसी दो जो फरार हो गया। सलमान ने ट्वीट कर कहा किधर छिपा है टाइगर, ये कोई टाइगर नहीं बल्कि बिल्ली है और हम एक बिल्ली को नहीं पकड़ सकते। सलमान ने ट्वीट कर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से की अपील, कहा अगर टाइगर आपके मुल्क में है तो बताएं। याकूब मेमन की दया याचिका पर महाराष्ट्र के राज्यपाल जल्द कर सकते हैं फैसला, फडणवीस सरकार ने कल कहा था याकूब पर न दिखाएं दया। याकूब मेमन की फांसी के खिलाफ लेफ्ट ने चलाई मुहिम, राष्ट्रपति के पास भेजा 40 लोगों के हस्ताक्षर वाला पत्र। लेफ्ट के भेजे पत्र में अभिनेता नसीरुद्दीन शाह, महेश भट्ट, फिल्म निर्माता राहुल रॉय के साथ बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा के भी हस्ताक्षर। यूपी बीजेपी अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा याकूब पर सलमान की ट्वीट को खुद से संज्ञान में ले सुप्रीम कोर्ट, करे कार्रवाई। दिल्ली में हिंदू सेना ने सलमान के खिलाफ प्रदर्शन किया, कहा बंद करें ऐसी हरकत नहीं तो छोड़ आएंगे पाकिस्तान। कानपुर में शिवसेना ने खोला मोर्चा। सलमान के याकूब पर ट्वीट के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ। मुंबई में सलमान के घर के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा, मुंबई पुलिस ने कहा हमेशा रहता है सुरक्षा बंदोबस्त। शत्रुघ्न सिन्हा ने याकूब की तरफदारी पर सलमान का दिया साथ, कहा लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपना विचार रखने का हक, भारत पाकिस्तान के पीएम को बजरंगी भाईजान देखने की नसीहत दी। सलमान के याकूब की तरफदारी पर भड़का संघ, विचारक राकेश सिन्हा ने किया ट्वीट, बॉलीवुड में दाऊद के पैसे से कुछ लोग चमकाते हैं छवि, फिर हमें रौंदा जाता है। राकेश सिन्हा ने लिखा सलमान की जय करने वाले उन्हें समझे, सिर्फ उनके शरीर की बनावट और नाच गाना ना देखे। सलमान की ट्वीट पर उद्धव ठाकरे ने किया सवाल, क्या न्यायपालिका पर सवाल उठाना चाहते हैं सलमान। लोकसभा में उठेगा सलमान की याकूब पर ट्वीट का मुद्दा, बीजेपी सांसद किरीट सोमैया ने दिया बयान। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने सलमान को कहा अगर भारतीय संविधान का सम्मान नहीं करते तो ये राष्ट्रद्रोह जैसा। बिहार में पीएम मोदी के चुनावी शंखनाद के बाद शत्रुघ्न सिन्हा ने नीतीश की तारीफों में पुल बांधे, नीतीश को बताया विकास पुरुष, आज आरजेडी के कायस्थ सम्मेलन में करेंगे शिरकत। शत्रुघ्न सिन्हा ने नीतीश से मुलाकात पर सफाई के साथ दी धमकी, कहा पार्टी में कुछ लोग उन्हें नीचा दिखाने की कर रहे हैं कोशिश, समर्थक नाराज हुए तो पार्टी को होगा नुकसान। करीब 20 मिनट तक शत्रुघ्न सिन्हा और नीतीश कुमार में सीएम आवास पर हुई थी मुलाकात, कहा पहले भी नीतीश के साथ चाय पी। शत्रुघ्न ने कहा सीएम बनने की तमन्ना नहीं, बीजेपी में था, हूं और रहूंगा, पार्टी छोड़ने के सवाल को खामोश बोलकर टाला। सुशील मोदी से जुड़े सवाल पर बोले शॉटगन, किस मोदी की बात कर रहे हैं, छोटे मोदी या बड़े मोदी। गांधी मैदान में टमटम से पहुंचे लालू यादव, जातीय जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक करने की मांग पर एक दिन का उपवास। लालू के टमटम पर दिखी आरजेडी के चुनाव चिन्ह की सजावट, गांधी मैदान में लालू के उपवास पे जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव भी हुए शामिल। लालू ने पीएम मोदी पर किया सीधा वार, दिया विवादास्पद बयान, कंस से तुलना की। जैसे कृष्ण भगवान ने काली गह में नाथा था, उस नाथ को बिहार से नथुनी पहना के हम लोग वापस कर देंगे, पूरा देश को मुक्त करेंगे। लालू ने अपने ही अंदाज में छोड़े तीर, कहा डीरेल हो गए हैं पीएम मोदी, छाती पर चढ़कर लेंगे अपना हक। पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी ने समस्तीपुर में बंद का आह्वान किया, खस्ता कानून व्यवस्था का दिया हवाला। योग गुरु रामदेव आज से बन जाएंगे डॉक्टर रामदेव, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय रामदेव को देगा पीएचडी की डिग्री। याकूब की फांसी को मुद्दा बनाने वाले असदुद्दीन ओवैसी पर योग गुरु रामदेव ने साधा निशाना, कहा याकूब का पक्ष लेने वालों पर दर्ज हो मुकदमा। अगले महीने होगी भारत पाकिस्तान के सुरक्षा सलाहकारों की बैठक, भारत उठाएगा दाऊद का मुद्दा। गृह मंत्रालय ने खंगाले दाऊद से जुड़े दस्तावेज, पासपोर्ट डिटेल और तमाम सबूत कर रहे हैं पाकिस्तान में मौजूदगी का इशारा, भारत सौंपेगा दस्तावेज। दाऊद पर प्रवर्तन निदेशालय ने कसा शिकंजा, अवैध संपत्ति खंगालने में जुटी ईडी की टीम जाएगी ब्रिटेन, विदेश मंत्रालय ने ब्रिटेन को भेजा पत्र। दिल्ली में पीएम आवास के बाहर स्वराज अभियान की अगुवाई में प्रदर्शन, योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण और आनंद कुमार ने उठाया भूमि बिल का मुद्दा। दिल्ली में बीजेपी और आपके बीच पोस्टर वॉर, बीजेपी ने पोस्टर में लिखा सिसोदिया साहब नौटंकी बंद करो, दिल्ली में कुछ काम करो।
बीजेपी के पोस्टर में आप विधायकों की डिग्री और दिल्ली सरकार के विज्ञापन पर तंज, लिखा फिजूल के झगड़े पर अड़े, वादे और काम वैसे के वैसे। केजरीवाल के कानून मंत्री ने कहा 1031 हेल्पलाइन के टेंडर में गड़बड़ी नहीं, जांच पर बोले भ्रष्टाचार की लड़ाई को रोकने की हो रही है कोशिश। दिल्ली सरकार के कानून मंत्री कपिल मिश्रा ने एसीबी चीफ मुकेश मीणा की नियुक्ति पर सवाल उठाए, पद को बताया गैरकानूनी। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने कहा अभी कंफ्यूजन है कि मैं दिल्ली महिला आयोग में हूं या नहीं। स्वाति ने कहा अगर डीसीडब्ल्यू अध्यक्ष रही तो लीगल सेल को मजबूत करने की करूंगी कोशिश। दिल्ली के इंडिया गेट पर भी कारगिल के शहीदों को नमन किया गया, श्रद्धांजलि देने रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के साथ तीनों सेनाओं के प्रमुख पहुंचे। पीएम नरेंद्र मोदी ने कारगिल के शहीदों को किया नमन, ट्वीट कर बलिदानियों के शौर्य को सराहा। द्रास में मनाया गया कारगिल विजय दिवस, शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। जंतर मंतर पर समाजसेवी अन्ना हजारे ने उठाया वन रैंक वन पेंशन का मुद्दा, कहा सरकार ने अब तक किए सिर्फ वादे, 2 अक्टूबर को रामलीला मैदान में करेंगे रैली, आज सीएम केजरीवाल भी अन्ना से करेंगे मुलाकात। वन रैंक वन पेंशन की मांग कर रहे लोगों का अनोखा प्रदर्शन, दिल्ली के इंडिया गेट पर दौड़ का आयोजन किया, करीब 700 लोग हुए शामिल। सोने की घटी दरों से बढ़ी गहनों की खरीद, जौहरियों की दुकान पर बढ़े ग्राहक। दिल्ली के जियोलॉजी पब में भारतीयों के घुसने पर पाबंदी, एक प्रेमी जोड़े को इंडियन नॉट अलाउड कहकर बर्थडे पार्टी मनाने से रोका, शिकायत पर पुलिस ने पब बंद कराया, कोई गिरफ्तारी नहीं। ओडिशा के जाजपुर में पूरी नई दिल्ली ट्रेन से गिरी महिला, स्थानीय लोगों ने मदद कर बचाई जान, दिल्ली से परिजनों को भी बुलाया। यूपी के रामपुर में एक मनोरोगी की आगजनी करने पर बढ़ा विवाद, लोगों ने थाने का घेराव किया, पुलिसकर्मियों को बचाने अतिरिक्त सुरक्षा बल के साथ मौके पर पहुंचे डीआईजी डीएम और एसपी। दिल्ली में सड़कों का बुरा हाल, आजाद नगर और कृष्णनगर, यमुना बिहार और वजीराबाद जैसे इलाकों में टूटी सड़कें, बनी मुसीबत। बारिश से पानी पानी हुई रेतीली धरती, बाड़मेर में जेल कोर्ट समेत तमाम सरकारी दफ्तरों में घुसा पानी। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में मूसलाधार बारिश से टूटा कहर, जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त। बारिश के बाद घर की दहलीज के आगे दरिया जैसा मंजर, बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुए रोजमर्रा की जिंदगी। रतलाम में बारिश बनी मुसीबत, प्रशासन ने स्कूल कॉलेज बंद किए, रेल यातायात पर पड़ा असर, पानी में डूबी तक। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बारिश का कहर, मूसलाधार बारिश के बाद कांडी के रिहायशी इलाके में जलभराव। रुद्रप्रयाग के सिरोपगढ़ में बारिश के बाद जबरदस्त भूस्खलन, हाईवे पर आया पहाड़ का मलबा, ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे बंद। बारिश के बाद कोटा बैराज से चंबल नदी में छोड़ा जा रहा है 3 लाख क्यूसेक पानी, प्रशासन ने धौलपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग पर बने पुल को बंद करने की दी चेतावनी। खतरे के निशान से 5 मीटर ऊपर बह रही है चंबल नदी, बैराज से छोड़ा गया पानी निचले इलाकों में बन सकता है तबाही का सबब। यूपी के लखीमपुर खीरी में बाढ़ से बेहाल हैं लोग, सूरतनगर गांव के 500 परिवारों ने मंडी के गोदाम में ली शरण। गाजियाबाद में नकली फूड सप्लीमेंट बनाने वाली कंपनी का भंडाफोड़, 2 लोग गिरफ्तार। यूपी के हमीरपुर में छेड़खानी से तंग आकर 12वीं क्लास की छात्रा ने खुद को लगाई आग, अस्पताल पहुंचने से पहले हुई मौत। नाराज गांव वालों ने लाश के साथ थाने के बाहर किया उग्र प्रदर्शन, दर्जन भर गाड़ियों में की तोड़फोड़, कुछ गाड़ियां फूंकी। भीड़ ने थाने में घुसने की कोशिश की, जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने चलाई गोली, 22 साल के युवक की मौत, 5 जख्मी। हमीरपुर के डीएम ने दिया मामले की जांच का आदेश, कहा नहीं बख्शे जाएंगे दोषी। लड़की की मौत के हिंसा से इलाके में तनाव, मामले की गंभीरता को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। मेरठ के सिलावा खास से समाजवादी पार्टी विधायक गुलाम मोहम्मद की बेटी से 5 करोड़ दहेज मांगने का आरोप, केस दर्ज। विधायक के आरोपों के मुताबिक ससुराल वालों ने जैगुआर कार की मांग की, दहेज न मिलने पर बेटी को जहर देने और पिटाई का आरोप। गाजियाबाद के आरएलडी नेता के बेटे से 2014 में हुई थी विधायक गुलाम मोहम्मद की बेटी की शादी, पति समेत 5 लोगों पर एफआईआर। जौनपुर में आईटीआई संस्थान के प्रिंसिपल की तिजोरी से 24 लाख कैश बरामद, छापेमारी में इतनी बड़ी रकम मिलने से हड़कंप। आईटीआई में सुविधा शुल्क के नाम पर प्रैक्टिकल में मनचाहा नंबर दिए जाने की मिली थी शिकायत, बरामद रुपयों की जांच जारी। झांसी में बाइक सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े महिला से छीनी चेन, छीना झपटी में महिला जख्मी, दोनों आरोपी फरार। सीसीटीवी में कैद हुई बेखौफ बदमाशों की करतूत, तस्वीरों के आधार पर जांच में जुटी पुलिस। अलीगढ़ में पति पत्नी का झगड़ा सुलझाने के दौरान बवाल, परिवार परामर्श केंद्र के इंचार्ज ने लड़की वालों की जमकर पिटाई की।
लड़के का पक्ष जब बात कर रहा था तब लड़की वालों ने जताया था एतराज, इसी से नाराज दारोगा ने निकाला गुस्सा। पुलिस ने लड़की वालों पर लगाया बदसलूकी का आरोप, मामले की जांच का आदेश दिया। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में पूर्व विधायक हरिप्रदा बिस्वास और उनकी पत्नी पर हमला, टीएमसी कार्यकर्ताओं पर आरोप। मध्य प्रदेश के सबलगढ़ तहसील के एसडीएम अजय कटेसेरिया ने सुरक्षा गार्ड के साथ मिलकर पेट्रोल पंप कर्मी को पीटा, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। पेट्रोल टैंकर से साइड देने में देरी से भड़के एसडीएम, इससे पहले जेई को जड़ा था थप्पड़। अलीगढ़ में फरियादी महिलाओं की ही पुलिस ने की पिटाई, घसीट कर ले गई थाने, काफी देर बाद छोड़ा। मैनपुरी में नाबालिग रेप पीड़िता के पिता की हत्या, 10 महीने पहले हुआ था नाबालिग से रेप, पिता कर रहा था मुकदमे की पैरवी। फिक्सिंग विवाद में बरी होने की अंकित चौहान के घर पर दिखी खुशी, फैसले के बाद घर पहुंचे अंकित ने कहा किसी पर केस दर्ज कराने के बारे में नहीं सोचा। श्रीसंत की बेगुनाही को केरल सीएम उमान चांडी ने बताया गौरव का क्षण, कहा बीसीसीआई को लिखेंगे पत्र, कोर्ट ने किया बरी तो हटाएं प्रतिबंध। कीर्ति आजाद ने बीसीसीआई से किया सवाल, कोर्ट से बरी हुए 3 खिलाड़ियों पर आखिर अब तक क्यों नहीं हटाया गया प्रतिबंध। कीर्ति आजाद ने कहा बीसीसीआई अपना रहा है दोहरे मापदंड, 2 आईपीएल टीम पर लगा है प्रतिबंध, उनके खिलाड़ियों के लिए नई टीम पर हो रहा है विचार।